पीछे वाली उसको मार रही है, वो देखो सामने इतना ज्यादा ये लड़ती हैं। आप शेखुरम कितना गंदा हो गया, बिल्कुल मेला मेला सा हो गया। मैं ना ये देसी वाली मुर्गी देख के, जो ये वाली मुर्गी है ना, मिस्री किस्म की एक दूसरी लाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अभी मैं आ चुका हूँ अपने फिश एक्वेरियम की तरफ। तो आप देख सकते हैं फिश एक्वेरियम कितना गंदा हो गया, बिल्कुल मेला मेला सा हो गया। हमारी फिंचिस बोल रहा, हमारी जो फिशेज है वो भी थोड़ी थोड़ी सुस्त हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वाली देखो ऑरेंज वाली जो हम लाए थे ना, इतनी सीधे तकरीबन 2 महीने पहले मैंने आपको फ़िश एक्वेरियम दिखाया था, उसके बाद आज दिखा रहा हूँ। हमारी फिशेज बिल्कुल बड़ी हो चुकी हैं, पर जो इनका ये पानी है ना, एक्वेरियम का पानी, वो बिल्कुल मेला सा हो चुका है। एक्वेरियम भी साफ़ करूँगा कुछ दिनों में। शार्क देखो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बाकी इनों का ना, ये एक ऑक्सीजन चल रहा है सामने वाला, और एक ये ख़राब हो चुका है, जो नीचे नहीं होता, ये तो फिल्टर है, जो ऑक्सीजन इनों का ख़राब हो गया। तो इनों का ऑक्सीजन लेके आएंगे, फिर उसके बाद न्यू ये स्टोन होते हैं पत्थर, वो लेके फिर इनों का एक्वेरियम बिल्कुल क्लीन नया कर देंगे। तो फिश एक्वेरियम मैं क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि फ़िश एक्वेरियम बहुत ज़्यादा मेला था, इसकी वजह से मैं फ़िश एक्वेरियम नहीं दिखाता था आपको। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपको फ़िश एक्वेरियम दिखाया जाए, तो मैंने फ़िश एक्वेरियम आपको दिखा दिया है। बाकी इसके हम इंशाल्लाह 2 या 3 हफ्तों के बाद सफाई करेंगे, क्योंकि सर्दियों में फिर इनों का जो पूरा सीज़न है वो गुजर रहा है। सर्दियों में बिल्कुल ठंडा पानी होता है, तो अभी जो हीटर होता है ना, वो भी हम जो होता है अंदर पानी गर्म करने वाला हीटर, वो पड़ा हुआ है मेरे पास, वो लगाएंगे इसके फ़िश एक्वेरियम के अंदर। मैं अगले साल लाया था, बिल्कुल नया था, नया पड़ा हुआ है। तो अभी तो सफाई नहीं करूँगा, 1 या 2 वीक के बाद सफाई करूँगा। तो देखा कि मेरी जो फिशेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है ना, कि ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है। मतलब बेड न्यूज़ है, क्योंकि जो हमारी मुर्गियाँ थी ना, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों मुर्गियाँ शुरू वाले दिनों में लड़ रही थी, मैंने बोला कि ये ठीक हो जाएंगी, पर अभी इन्होंने फिर से लड़ाई स्टार्ट कर दी इस मुर्गी ने, और जो ये वाली मुर्गी मैंने अलग बंद कर दी। तो अभी मैं इन दोनों को खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा बेचारी को ज़ख्मी कर दिया इस वाली देसी ने, इसको मिस्री वाली बेचारी को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया। ऊपर से मैंने इनका यह कपड़ा डाल दिया, क्योंकि धूप आती है इस टाइम, तो अभी ये देखो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया इस बेचारी को, सारा खून खून कर दिया है। तो इसको भी मैं निकालता हूँ, अभी इसको भी निकालता हूँ, इनको अंदर बंद करके देखेंगे बाद में कि ये लड़ती है फिर नहीं लड़ती। आ जाओ बाहर, डर की मारे ना वो मिस्री मुर्गी अभी बाहर निकल रही नहीं है, क्योंकि देसी ने उसको इतना मारा है शदीद, बहुत ज़्यादा मारा है, तो मजबूरी तौर पे मेरे को दोनों को अलग करना पड़ा। देसी घूम रही है ना सामने, तो मिस्री इस तरफ भाग रही है, जाओ उधर अपने घर के पास जाओ, तो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं ये दोनों। मुर्गियों को मैंने साथ बंद कर दिया है, तो अभी आप देखना कि 2 या 3 मिनट के बाद ये मुर्गियाँ लड़ेंगी आपस में। वो देसी वाली उसको मार रही है, वो देखो सामने इतना ज़्यादा ये लड़ती हैं आपस में, आपको मैं बता नहीं सकता। तो मजबूरी तौर पे मेरे को एक काम करना पड़ रहा है कि जो देसी वाली मुर्गी है ना, मिस्री को मार रही है ना, अभी ये देखो कितना लड़ रही है। देसी मुर्गी है ना वो मैं देख के ना इसके जगह मिस्री लेके आऊँगा। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना ये आपस में लड़ेंगे, इनको मैं अलग तो नहीं रख सकता ना, तो मैं ना ये देसी वाली मुर्गी देख के, जो ये वाली मुर्गी है ना, मिस्री किस्म की एक दूसरी लाऊंगा, समझ अली बली करेंगे। मेरा एक दोस्त है, उसको मैं ये देख के दूसरी मुर्गी लूँगा उससे। जो कल मैंने खुड्डा बनाया था उसका ये तो फ़ायदा है कि मिस्री मुर्गी इसके अंदर जा रही है, पर मिस्री मुर्गी जैसे ही इसके अंदर जा रही है, जो देसी है ना हमारी, वो बहुत इस बेचारी को इधर मार रही है। तो इसने कल भी सुबह भी समझ अंडा देने के लिए गई अंदर, देसी को मैंने खोला तो देसी इसके अंदर गई और इसको इतना ज़्यादा बेचारी को मार रही है। तो मेरे ख्याल से जब तक ये देसी चली नहीं जाएगी यहाँ से, तो मिस्री भी एक नहीं देगी। और देखो अभी हरे तोते को तंग कर रही है, तो देसी बेचारी है तो बहुत अच्छी, माशाल्लाह कद में भी बहुत अच्छी है, और इसकी हाइट वगैरह, इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है और बाकी खूबसूरत भी है, पर मजबूरी तौर पे ये देसी हमें देनी पड़ेगी, इसके बदले हम मिस्री लेके आएंगे इंशाल्लाह। बहुत दिन हो गए मैंने आपको फिंचेस नहीं दिखाए, तो अभी मैं आपको फिंचेस भी दिखाता हूँ, और फिंचेस के बारे में आपको कुछ बताता भी हूँ कि फिंचेस ने कुछ खुशखबरी दी है नहीं दी, तो मैं भी देखूँगा मटकियों के अंदर, आप भी देखना कि फिंचेस ने एक दिए हैं नहीं दिए। बहुत दिन हो गए यार, फिंचिस को मैंने टाइम नहीं दिया, क्योंकि तकरीबन जब से इनका ये मैंने कॉलोनी बनाई है ना, तो मैंने इनको टाइम नहीं दिया। तो अभी आज मैं इनको देखूंगा, मटकियों में एक है नहीं है, तो यार ये तो खाली आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अंधेरा है ना अंदर, तो दूसरी वाली ये भी खाली है, इसके अंदर सारा नेस्ट जमा हुआ है, तो ये भी खाली है, सारी जो लुटकियाँ बोलते हैं, पता नहीं क्या मटकियाँ बोलते हैं, सारी तीनों के तीनों खाली हैं। तो अभी फिंचिस को भी दाना पानी देंगे और अपने बज्जीज़ को देख लेते हैं। इनों का यार पैर लग चुका है, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये इसका जल्दी जल्दी से पैर लग जाएगा, तो जो सोचा था ना वही हुआ था, इन दोनों का पैर लग चुका है। और अभी ये मटकी भी सिलेक्ट इन्होंने कर दिए, दोनों ने ये मटकियाँ में भी जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि जल्दी जल्दी से ये एक ले कर देंगे।
हाँ मिर्ची खाओगे ग्रीन पैरट? तो आज मैं बोलने की कोशिश, ये देखो पूंछ को कैसे सेट कर रहा है, माशाल्लाह इसका पूंछ भी बहुत बड़ा है। तो तुम मिर्ची खाओगे ग्रीन पैरट? इसका नाम यार क्या रखें, कुछ समझ नहीं आ रहा इसका नाम, कोई अच्छा बताओ जिस पेट्स के हवाले से हो। आजा मिट्टू, आज बोल दो मिट्टू। यार बोलते क्यों नहीं हो, काट रहे क्यों हो? आज काट रहा है भाई, ये यहाँ से ले ले, ये खुद ही खा लेगा। नीचे को ना मैं रोज़ मिर्ची भी डालता हूँ, तकरीबन दिन में 2-3। ये देखो अभी भी ये नीचे सब्जी पड़ी हुई है, मिर्ची दाना रोटी, इसको मैं इतना खिलाता हूँ माशाल्लाह से। पर ये कम बोलता है यार, जब वीडियो बनाता हूँ उस टाइम नहीं बोलता, अभी ये बोल रहा है नहीं, नहीं तो जैसे ही मैं वीडियो बंद करूँगा ना ये इतना बोलता है। ना परिंदों को दाना पानी लेट हो गया, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था, मैं स्कूल से जैसे ही आया तो नमाज पढ़ने चला गया, तो अभी आया हूँ तो अभी इतना परिंदों को दाना पानी करते हैं। फिंचिस को भी मैंने नहीं किया, बाकी मैं बजीज को भी दाना पानी करूंगा, बटेर वगैरह सारे भूख में हैं, तो अभी सारों को दाना पानी देते हैं। जाओ घर पे जाओ, कुड़ 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 जाओ, बाद में निकालूंगा अभी तुम्हें। कुड़ 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 कुड़। अरे ग्रीन पैरट ने मिर्ची खा ली आधी से ज्यादा, वो मैंने 2 डाल दी, मैंने बोला सुकून से खाएगा, फिर रात को इसको मैं डाइट डाल दूंगा। मैं इसको दिन में 3 दफ़ा डाइट डालता हूँ, और मुर्गों को मैं दिन में 3 दफ़ा ही डालता हूँ। सुबह के टाइम रोटी डालता हूँ, भिगी हुई रोटी डालता हूँ सुबह के टाइम, और दिन के टाइम मतलब ये सब्ज़ी वगैरह जो होती है वो डाल देता हूँ, और बाकी शाम के टाइम मैं ट्यूशन सेंटर से तो मैं इनको ना बाजरा वगैरह कंगनी वगैरह डाल देता हूँ, दोनों की पूरी रात गुजर जाती है। तो मैंने इसको ना अलम कर दिया केज के अंदर, क्योंकि दोनों ज़्यादा बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। सुबह के टाइम मैं इसको उधर रखता हूँ और उसको इधर रखता हूँ, और दिन के टाइम मैं इसको इधर रखता हूँ पूरी रात, समझ। आधा दिन ये इधर होती है, आधा दिन वो उधर, आधा दिन वो इधर होती है इधर, तो लड़ाई नहीं होती। और मेरे को इस केज का भी डर लग रहा है कि इस केज को बीटे लग लग के ये केज बिल्कुल नीचे हो गया, डर लग रहा है कि ये केज हमारा ख़त्म हो जाएगा इधर बीटे लग लग के। तो मैं दोस्त से बात करता हूँ कि इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के बाद हम ये मुर्गी उसको दे देंगे। तो माशाल्लाह से इसको भी मैंने पानी दाना रख लिया है, तो सुकून से दाना पानी कर रहे थे, मेरे को देख के डिस्टर्ब हो गए। बाकी फिंचिस ने भी दाना पानी करके ऊपर चली गई, वजीज से भी दाना पानी कर लिया, अभी वो ऊपर बैठे हुए हैं, और हमारा पैरट कर रहा है रिंगने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम हो चुके हैं, दाना पानी सारे बर्ड्स को दे दिया है, फिशेस को भी मैंने आपको दिखा दी फिशेस अपनी, बहुत दिन हो गए थे, मैंने सोचा कि फिशेस भाइयों को दिखा लेते हैं, भाई समझ रहे होंगे कि इसने फिशेस ख़त्म कर ली, पर फिशेस ख़त्म नहीं की, हमारे पास फिशेस भी हैं और हमारे पास मिनी सेटअप में बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा। बाकी मैं मुर्गी को यार देखूंगा, अगर नहीं लड़ी तो वापसी नहीं करूंगा, अगर लड़ी तो ना तो मैं ये देख के मिसरी ले लूंगा। तो इसी के साथ वीडियो में यही पेंड करता हूँ, अगर मेरे वीडियो को पसंद है मेरे चैनल बेल आइकन को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।